हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनली मैंने इससे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर वीडियो था ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आप सभी के साथ में। और इसमें लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर पोस्ट कैसे पता चलेगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कैसे होगा और इन सब चीज़ को पता कैसे चलेगा और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आपकी कहाँ कहाँ पर होगी, ये सब सारी चीज़ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं फ्रेंड्स, पोस्ट जो आपकी पोस्ट है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है अभी आपकी एक और लिस्ट आने वाली है जिसमें आपको ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आप इस टाइम इमेज पे देख रहे हो, एक स्क्रीन शॉट में दिखा रहा हूँ आपको। और ये है पिछले प्रीवियस वैकेंसी 2017-18 वाली जो वैकेंसी, इसमें जो फाइनल जो ये लिस्ट आई है इसमें बच्चों को उनकी जो पोस्ट है वो और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। साथ ही साथ अभी जो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, दोनों इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा। जो आपके वैकेंसी नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको एलिजिबिलिटी दी गई थी कि आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना है, साथ ही साथ आपको पास ट्रिपल सी होनी चाहिए, ये ग्रुप सी की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन लोगों को आपको 10th 12th और ग्रुप सी की सर्टिफिकेट्स, ये एकेडमिक सर्टिफिकेट जो पूरे होते हैं 8 के बाद के, वो सारे दिखाने होंगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह रूल, और आपके साथ ही साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो नहीं, अदरवाइज आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और जो भी पूरे दस्तावेज होते हैं वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में लेके जाना होगा। और जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई होगी वहाँ पे आपको इसको क्या करवाना है, गिवन डेट पे, एक्सपेक्टेड गिवन डेट पे उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ ग्रुप डी वालों के लिए क्या है, उनको 8th तक का सभी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और सारी डिटेल्स सेम है। उनको सर्टिफिकेट ट्रिपल सी के लिए एलिजिबिलिटी मतलब नहीं दी गई थी, इसलिए ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब चीज़ें आपको लेके जाना है। और ये अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बता दीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, APS का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है, अभी कुछ टाइम पहले अपलोड हुआ है, तो वो भी जानकारी आप जान लो। अगर किसी चीज़ को लेके आपको इन्फॉर्मेशन है तो जैसे शॉर्ट हैंड के लिए मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि वो भी आपका जल्दी ही मतलब अपडेट कर दिया जाएगा रिजल्ट, क्योंकि जून से आपकी वैकेंसी क्लोज मतलब हाई कोर्ट क्लोज होता है, तो उसके पहले सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन या अपडेटेड रिजल्ट वगैरह हैं वो हाई कोर्ट के दे दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर हमारे अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।